आप सभी को राजस्थान तक की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 74वें गणतंत्र को और खास बनाया है राजस्थान से पद्मश्री पाने वाले जयपुर से मशहूर गजल गायक अहमद और मोहम्मद हुसैन और सामाजिक कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले जयपुर के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा ने। जी हाँ, आपको बता दें कि 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें 2023 के लिए पद्म से राजस्थान की 4 शख्सियतों को शामिल किया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन है अहमद और मोहम्मद हुसैन, जिन्होंने साइकिल के पंक्चर निकालने से लेकर पद्मश्री तक का सफर तय किया है। दीवाने हमें आप ही के नाम से दुनिया ने पहचाना हमें। जयपुर के पद्मश्री पाने वाले अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों सगे भाई हैं। क्लासिक गजल गायकी में दोनों का नाम देश दुनिया में जाना जाता है। जयपुर के रहने वाले हुसैन ब्रदर्स ने संगीत की शिक्षा अपने पिता उस्ताद अफजल हुसैन से ली है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों ने गजल की शुरुआत 1958 से की थी और अब तक कुल 65 एल्बम भी आ चुकी है। 1959 में हुसैन ब्रदर्स ने जयपुर के आकाशवाणी से सफर शुरू किया था। इनकी फेमस गजल मैं हवा हूँ कहा वतन मेरा और सावन के सुहाने मौसम में रही, जिससे देश विदेश में इनको पहचान मिली। अपने सफर के बारे में मोहम्मद हुसैन ने बताया कि ये सच है, परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं थी और ऐसे में दोनों भाइयों ने साइकिल के पंक्चर तक निकाले और दीवारों पर पेंट भी किया। यदि उस वक्त हम ये काम नहीं करते तो घर में खाने की भी दिक्कतें आ जाती, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष जारी रखा। मोहम्मद हुसैन बताते हैं कि सन 1959 में दोनों भाई चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आकाशवाणी जयपुर से गायकी के पगडंडी पर चलना शुरू हुए थे। इसके बाद अपनी आवाज और संगीत को जनता तक ले जाने के लिए 50 से ज्यादा एल्बम बनाए। उसके बाद से फिल्मों में भी वी जारा सहित कई फिल्मों में मौका मिला। जब 1980 में दोनों भाइयों का एल्बम गुलदस्ता रिलीज हुआ, तब ये एल्बम इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब चलिए आपको बताते हैं कि लक्ष्मण सिंह कौन है। जयपुर के सामाजिक कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले लक्ष्मण सिंह ने शिक्षा, पौधारोपण और जल संरक्षण के लिए शानदार कार्य किए हैं। लक्ष्मण सिंह खुद 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन इन्होंने अब तक लगभग 40 से 50 स्कूल खोलकर बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। अब चलिए मूलचंद लोढ़ा कौन है वो भी आपको बता देते हैं। मूलचंद लोढ़ा को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। आदिवासी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले मूलचंद ने मानव सेवा के लिए कई जरूरी कार्य किए हैं। मूलचंद लोढ़ा आरएसएस के पूर्व में प्रचारक भी रहे। इन्होंने संघ में 14 साल तक काम किया। साथ ही दूसरों की मदद के लिए सबसे आगे रहने वाले मूलचंद ने आंखों का हॉस्पिटल खोलकर करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को आंखों की रोशनी भी लौटाई।